दोनों ही पार्टीज को साथ बैठाया जाए, हो सकता है कोई समझौता हो जाए, हो सकता है कोई किसी तरह का सॉल्यूशन निकल जाए और दोनों की फैमिली फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। समझौता कराने के लिए अपने देश में जितने भी कानून है, काफी सारे ऐसे सेक्शन है, आईपीसी के सेक्शन भी बनते हैं, 420 में भी ऐसा होता है जहाँ 7 साल तक सजा का प्रावधान है कि वहाँ पर मीडिएशन करा दिया जाए। बहुत सारे केसेस आप देखोगे दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज में कानून बनाए जाते हैं समाज को सुधारने के लिए या फिर समाज की भलाई के लिए। कोई भी कानून ऐसे नहीं बनाए जाते कि सीधा सीधा किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाए, क्यों, सजा देने वाले हम कोई नहीं होते, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले सामने वाले को किसी भी तरह से सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। और अपने देश का कानून भी यही कोशिश करता है कि कहीं किसी का कोई अहित ना हो जाए, इसीलिए उसे रोका जाना चाहिए। दोस्तों कभी भी कोई भी किसी भी तरह के जब केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, यहां से डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है, चाइल्ड कस्टडी का कोई भी केस फाइल किया जाता है, या फिर किसी भी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर या हिंदू मैरिज एक्ट के जो भी सेक्शंस बने हैं उनको लेकर जब केसेस दायर किए जाते हैं, तो ऐसे में हमेशा कोशिश करता है कोर्ट कि ऐसे केसेस को मीडिएशन में भेज दिया जाए, दोनों ही पार्टीज को साथ बैठाया जाए, हो सकता है कोई समझौता हो जाए, हो सकता है कोई किसी तरह का सॉल्यूशन निकल जाए और दोनों की फैमिली फिर से सुचारू रूप से चलने लगे, इसीलिए मीडिएशन का सहारा लिया जाता है। दोस्तों मीडिएशन कोर्ट्स में कराए जाते हैं, कोशिश की जाती है दोनों परिवारों को दोबारा से एक करने की। मीडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मीडिएशन को ज्वाइन नहीं किया तो क्या आपके अगेंस्ट कोई वारंट हो सकता है या फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, चाहे फिर आप लड़की हो मतलब पत्नी की साइड से हो या पति की साइड से हो, या फिर मीडिएशन में अगर आप जाते हैं और वहां पर जरा धमकाकर आपसे कोई भी हामी करा ली जाती है तो क्या वही फाइनल है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप लोग अक्सर हमसे पूछते हैं हमारी वीडियोस में जाकर, आज उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। मीडिएशन के बारे में लगभग सभी तरह के सवाल आज आपके दिल से क्लियर हो जाएंगे। मीडिएशन के बारे में कि कोर्ट में मीडिएशन कैसे होता है, कब होता है, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों मीडिएशन कराने के लिए, मीडिएशन की हम बात करें या फिर आप माने समझौता कराने की बात, समझौता कराने के लिए अपने देश में जितने भी कानून है, काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं, आईपीसी के सेक्शंस भी बनते हैं, 420 में भी ऐसा होता है जहां 7 साल तक सजा का प्रावधान है कि वहां पर मीडिएशन करा दिया जाए। बहुत सारे केसेस आप देखोगे जब केसेस शुरू होते हैं तो वहां कोर्ट बोलता है कि मीडिएशन में चले जाओ, हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल ही जाए। सिर्फ इसीलिए आपको वहां भेजा जाता है ताकि आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए और आपस के जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी मुद्दे हैं, हो सकता है छोटे से मुद्दे को लेकर इतना बड़ा आपने मामला कर दिया हो, तो हो सकता है कि समझौते के तहत जो भी आपस में आप बातचीत करेंगे उससे कोई सॉल्यूशन ही निकल जाए। और इससे जो कोर्ट का वक्त खराब हो सकता है या कोर्ट का जो वक्त जाया होगा या फिर आपका वक्त खराब होगा या आपको फाइनेंशियल हानि होगी, हो सकता है उस मीडिएशन से आपके सॉल्यूशन निकल जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कई बार मैंने देखा है कि कोई भी केस फाइल किया जाता है, एलिगेशंस लगाए जाते हैं लड़के वालों के अगेंस्ट लड़की वालों के द्वारा, तो जैसे ही मीडिएशन में बैठते हैं थोड़ी ही देर में उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है। तो मीडिएशन में दोस्तों आपको जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि मुझे मीडिएशन नहीं करना बट कोर्ट ने अलाउ कर दिया, कोर्ट कहता है मीडिएशन में जाओ। आपको अगर मीडिएशन दे दिया है कोर्ट ने, आपको नहीं चाहिए, उसी टाइम खड़े होकर मना कर दो कि हमें कोई मीडिएशन किसी भी तरह का नहीं चाहिए। उस वक्त कोर्ट आपको बेशक मना कर देगा कि हाँ ठीक है मीडिएशन में नहीं भेज रहे हैं, आगे आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप बता भी देना। तो आप कोर्ट में खड़े होकर उसी वक्त मना कर सकते हो। मान लीजिए कि आप कोर्ट में खड़े थे और जज साहब ने बोला मीडिएशन में भेज रहे हैं और उस वक्त आप कुछ बोल ही नहीं पाए, ऐसा होता है लोगों के साथ, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कोर्ट में उस वक्त हाँ कर देते हैं पर वो मीडिएशन में जाना चाहते नहीं है। तो ऐसे में अगर आप दोबारा मीडिएशन में जाओगे भी नहीं और वहां पर आप इन्फॉर्म भी करा देते हो, आपके वकील साहब बोलते हैं मीडिएशन हमें नहीं चाहिए, तो भी वो मीडिएशन वहां पर अनसक्सेसफुल माना जाएगा। और बाद में हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई भी किसी भी तरह की रजामंदी आपस में होती है, कोई समझौता आपस में होता है, तो भी मीडिएशन में आप जा सकते हो। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए मीडिएशन के लिए अलाउ हुआ, कोर्ट ने आपको बोला मीडिएशन में जाओ, मीडिएशन की तारीख लग रही है और आप मीडिएशन में जा नहीं रही हो, तो ऐसे में क्या होगा, क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी? दोस्तों ऐसा नहीं होता, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, ना ही कोई भी ऐसी कोई एडवर्स
कोई भी एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, ना ही कोई ऐसा ऑर्डर पारित होगा। आप अगर नहीं जा रहे हो तो ना जाएं। बस मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, किसी के द्वारा, अपने वकील साहब के द्वारा इन्फॉर्म करा दें मीडिएशन को, आप मीडिएशन में आना नहीं चाहते, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ में होगी नहीं और केस वापस से ट्रैक पर आ जाएगा और केस द्वारा से वापस से चलना शुरू कर देगा। और फिर अगर लड़की वालों ने मना किया है तो लड़के वालों का वहां पर जवाब फाइल करवाया जाएगा और केस को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि मीडिएशन के लिए आप ही डिमांड रखेंगे, आपको ही मीडिएशन चाहिए। कोर्ट भी कई बार आपसे पूछ लेता है कि आपको मीडिएशन में जाना है या नहीं, और कई बार ऐसा भी बोलता है कि आप मीडिएशन पे जाइए। मीडिएशन कहाँ होता है? मीडिएशन होता है कोर्ट के ही पास में, उसी परिसर में एक और ऑफिस बना होता है जिसको बोलते हैं मीडिएशन सेंटर। मीडिएशन सेंटर में आप जा सकते हैं, आपकी फैमिली वाले जा सकते हैं, या फिर जो लड़के वाले हैं, या फिर आपके वकील साहब भी आपके साथ हालांकि जा सकते हैं। आप जाइए, लड़के को सामने बिठाइए, लड़की और लड़के को सामने बैठना चाहिए, अपने जो भी बातें हैं, जो भी गिले शिकवे हैं वो बोलने चाहिए, हो सकता है वहीं बैठ कर सॉल्यूशन निकल जाए। मेरा मानना है आप अगर किसी भी तरह के दबाव में है, आप पर लड़के वाले दबाव बनाएं या फिर लड़की वाले दबाव बनाएं या किसी तरह के इंड्यूसमेंट में लें, बहलाएं फुसलाएं या धमकाएं, तो ऐसे में तो आपको अपने वकील साहब को सामने रखना ही पड़ेगा और आपको खुद को नहीं पता मीडिएशन में होगा क्या। वकील साहब को रख लेंगे अच्छी बात है, पर आप खुद भी बैठ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, दो परिवार है, दो परिवार के बीच का मामला है। जितना अच्छे से बैठकर आप लोग बात कर सकते हैं, ऐसा कोई और बात कर नहीं पाएगा। हम वकील साहब आपके साथ बैठ भी जाएंगे तो हम लीगल टर्म्स में बात करेंगे ताकि आपका कोई अहित ना हो जाए। तो आपको लगता है कि आप लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं तो आपको खुद ही बैठना चाहिए, वहां आपके वकील साहब की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अब दोस्तों, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि मीडिएशन में जब आप गए तो एक ही डेट में मीडिएशन आपका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अक्सर देखा गया है 3-4-5-6 डेट तक लगती है मीडिएशन में, आपको बार बार बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, बात कराई जाती है। अगर मीडिएशन फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो नॉट सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल मीडिएशन माना जाएगा और 1-2 डेट या 3 डेट में ही आपका फाइनल हो जाता है, तो वो जो मीडिएशन है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। वहां भी तारीखें लगती है, पर ऐसा नहीं होता कि जज साहब बैठे हैं, पुलिस वाले आए हैं या फिर आप वहां पर हो, वकीलों की बहुत भीड़ है, ऐसा नहीं होता। मीडिएशन एक तरह का समझौता कराया जाता है, जैसे कोई एक मीडिएटर बैठा हुआ है कोर्ट का, वो बैठा होता है और आप दोनों की बात करवाता है। मीडिएशन में सिर्फ इतना ही होता है। दोस्तों, मीडिएशन कोई किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है। आप अगर मीडिएशन में गए हैं तो अपने ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर ना लें, बिल्कुल फ्रीली, सुकून से आप आराम से बात करें, ठंडे दिमाग से आप बात करें। गर्म दिमाग से बात करने से हमेशा चीजें खराब हो जाती हैं, और मेरा मानना है आप सुकून से आराम से बैठेंगे, अपने परिवार की तरह बात करेंगे तो आपको सॉल्यूशन इसका निकल भी जाएगा। मीडिएशन का कोई भी एडवर्स ऑर्डर कभी नहीं होता है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके अगर दिल में दोस्तों हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने जाके सवाल पूछें, कोई सलाह हमसे आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है हमारी किसी सलाह या रिप्लाई से आपके केस में कोई अलग ही मोड़ आ जाए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो जो मीडिएशन पे हमने बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।